क्या ट्रेंडी प्रोडक्ट्स पे मार्केटिंग बजट कम स्पेंड होता है? 250,000 स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्हें मैं आज एक प्रोडक्ट बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है, वो सब कल के दिन और नहीं तो कम से कम 5,000 लोग वो एक प्रोडक्ट बेचेंगे, ट्रेंडिंग बन जाएगा। कपड़े की 20 दुकानें हैं, क्या सेक्टर में कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है शॉपिफाई स्टोर को सक्सेसफुल करने के लिए? हाउ यू मार्केट, आपका प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, यू कैन सेल शिटी प्रोडक्ट। अगर आपका कंटेंट कस्टमर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, फिर आपका 50,000 का 30,000 भी बजट होना, आप मिलियन रुपीज़ का स्टोर बना सकते हैं। आज तक आपको कोई ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा है कि जिसका आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना नजर आया? बहुत सारे, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं ना फील्ड के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो आपको नहीं समझ आती, फिर उस पर दो रास्ते हैं, या तो छोड़ दो या फिर मेहनत कर लो। अस्सलाम वालेकुम हवतीनों हजरात, मेरा नाम है एयाज महमूद और आप देख रहे हैं मकान के मेहमान। नाज़रीन देखें कि ई कॉमर्स पूरी दुनिया में छा रहा है और पाकिस्तान में भी अब देखा जाए तो हर एक छोटे बंदे ने अपने अपने ई कॉमर्स स्टोर्स बनाना शुरू कर दिए हैं, और इन ई कॉमर्स स्टोर्स को या तो लोग शॉपिफाई पे बना रहे हैं या वो वर्डप्रेस पे बना रहे हैं। तो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने आज अपने गेस्ट को बुलाया है, मिस्टर सुहेब, ही इज़ दी शॉपिफाई एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम सुहेब, क्या हाल है आपके? ठीक है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेब मुझे बताएं कि आपने ये जो जर्नी स्टार्ट की है ई कॉमर्स के अंदर शॉपिफाई एक्सपर्ट की, इस जर्नी के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। बेसिकली मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सिटी डेज थे, कुछ कोई आइडिया नहीं था मार्केटिंग क्या होती है, कंटेंट राइटर, बेसिकली मैंने एज अ कंटेंट राइटर स्टार्ट किया था काम, लेकिन यूनिवर्सिटी डेज में कोई आइडिया नहीं था। दोस्त एक मिला क्लास फेलो, तो वो काम कर रहा था, उससे मुझे एक आइडिया हुआ कि एक दिस इज़ अ वे ऑफ अर्निंग, क्यों ये तो पता था कि ऑनलाइन अर्निंग करते हैं लोग, ये नहीं पता था कैसे करते हैं। तो उससे मुझे एक आइडिया हुआ, उससे मैंने कंटेंट राइटिंग बेसिकली सीखी, मैंने वेबसाइट कुछ बनाई, तो उस पर कंटेंट वगैरह अपलोड किया, बेसिकली जो गूगल एडसेंस वाला, वहाँ से बेसिकली मैंने अपना एज अ डिजिटल मार्केटर की जर्नी स्टार्ट की थी। फिर मुझे प्रॉपर मार्केटिंग, जो पेड मार्केटिंग होती है, उसका एक आइडिया हुआ, डिफरेंट कोर्सेज वगैरह कुछ लिए थे मैंने, फिर मैंने अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट की इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। मैंने लोकल ट्राई किया था लोकल पाकिस्तान में, लेकिन आपको पता है 16-17 में शॉपिफाई ई कॉमर्स अमेजोन का पाकिस्तान में किसी को भी इतना कोई आइडिया नहीं था। इंटरनेशनल तो आपको पता ऑब्वियसली काफ़ी लोग कर रहे थे, तब शॉपिफाई आया भी नहीं था दुनिया में, तब था वो कॉमर्स, वर्डप्रेस वो कॉमर्स, तब मैंने अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट की। वो कॉमर्स पहले आया था शॉपिफाई बाद में? या शॉपिफाई भी रिसेंट ईयर में आया है, वो कॉमर्स तो आप समझ लेंगे 2005-06 से, तब से आ रहा है जब से वर्डप्रेस है। अच्छा, तो तब जो 16-17 वाले हैं उन्हें आइडिया है, वो तब शॉपिफाई बना ही नहीं था, अंडर डेवलपमेंट होगा, तो तब हम मैंने उस पर काम स्टार्ट किया, मार्केटिंग सर्विसेज मैंने देना स्टार्ट की, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले इंटरनेशनल, मैंने फर्स्ट 6 ईयर में इंटरनेशनल रहा, फ्रॉम 2016 टू 2022 मैं इंटरनेशनल रहा था, 2022 के अंदर फिर मैं पाकिस्तान में मैंने सर्विसेज देना स्टार्ट की ई कॉमर्स की। अच्छा, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बहावलपुर से। इतना मैटर करता है कि यार अगर लेट से मैं इस्लामाबाद से पढ़ा लिखा हूँ और मेरी ग्रूमिंग इस्लामाबाद में हुई है, आपकी ग्रूमिंग बहावलपुर से हुई है, तो ये क्या इसमें ये मैटर करता है कि आपकी ग्रूमिंग किस सिटी से हुई है, बैकवर्ड एरिया से हुई है, या कोई बंदा जो है वो कराची से है, लाहौर से, इस्लामाबाद से है, तो वो कोई ज़्यादा पैसे कमा सकता है, या आजकल के दौर में क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। मैं आपको एक आइडिया इस तरह देता हूँ, मैंने बहावलपुर से स्टार्ट किया, वहीं पे सीखा, नेट ऑब्वियसली बात है नेट हर जगह सेम ही है। जब यहाँ पे मैं आया इस्लामाबाद, आज से 5 साल पहले आया, तो मैंने एक छोटी सी फर्म में जॉब की, मैं डिपार्टमेंट का हेड था और मेरे अंडर नर्स्ट के ग्रेजुएट थे। आप क्योंकि एक मिथ है एक्चुअली कि आप इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद या लाहौर, क्योंकि पी यू से पढ़े, नर्स से पढ़े, फास से पढ़े, गिकी से पढ़े, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकती है। मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ बहावलपुर, बट मेरे अंडर नर्स के गोल्ड मेडलिस्ट मेरे अंडर जॉब कर रहे थे। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। सो ये एक ऐसी फील्ड है जो इंटरनेट के आने के बाद कि आप एक किसी विलेज में भी बैठे हैं ना, यू कैन मेक मिलियंस। आई हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स, जो एक आई हैव अ स्टूडेंट, वो विलेज की है बेसिकली बहावलपुर साइड पे, एंड शी इज मेकिंग 12-13 लाख एवरी मंथ, और अपने विलेज से बैठ के काम कर रही है। क्या बात, उनके विलेज में जैज कैश की दुकान नहीं है, बट शी इज स्टिल अर्निंग 12-13 लाख एवरी सिंगल मंथ।
अच्छा, फॉर दोज पीपल हु डोंट नो कि व्हाट इज़ शॉपिफाई, शॉपिफाई के बारे में ज़रा एक्सप्लेन करें कि शॉपिफाई एक्चुअली क्या प्लेटफॉर्म है, या कुछ लोग समझते हैं कि भाई ये कोई बिजनेस है, तो उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को। बेसिकली देखिए, अब लोगों ने शॉपिफाई को एक मशहूर कर दिया कि फेमस चीज़ है शॉपिफाई, कर लो। हाँ, अब शॉपिफाई करना क्या है? शॉपिफाई कर लो। हाँ, ये कहता है मैं शॉपिफाई सिखा दूंगा, मेरे से शॉपिफाई कर लो, तुम शॉपिफाई कर लो। बेसिकली शॉपिफाई जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं अभी हमारे पहले जिक्र हो रहा था वू कॉमर्स की बात हो रही थी, वो भी काइंड ऑफ CMS कहते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होती हैं, वू कॉमर्स भी वो था, शॉपिफाई भी वो है, बस क्या समझ लें कि एक बेटर फॉर्म है, फास्ट है, इसकी ओर है, बट जस्ट एक प्लेटफॉर्म है। बेसिक जो बिजनेस है वो ई कॉमर्स है, जो आपको पता है पिछले 20-30 साल से लोग कर रहे हैं, जब से अमेजोन, जब से इंटरनेट आया लोग तब से कर रहे हैं, तो है ई कॉमर्स। शॉपिफाई जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपना स्टोर होस्ट कर सकते हैं। हमें दो किस्म के क्वेश्चंस रिसीव होते हैं कि एक लोग पूछते हैं कि शॉपिफाई के बारे में हमें कंफ्यूजन है कि शॉपिफाई स्टोर को ओन करना और शॉपिफाई स्टोर को मैनेज करना, ये दो डिफरेंट डोमेन्स हैं या ये एक ही डोमेन है शॉपिफाई की? ये दोनों हैं डिफरेंट डोमेन्स। आप शॉपिफाई एग्जांपल इससे देता हूँ कि आप शॉपिफाई स्टोर ओनर हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने अपना स्टोर लॉन्च कर लिया है, बट यू डोंट नो हाउ टू मैनेज इट, मतलब कि मार्केट कैसे करना, ब्रांडिंग कैसे करनी है, आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करनी है, लॉजिस्टिक्स देखनी है, ये एक पूरा एक डोमेन है, एक अलग से है। तो आपको यू नीड समवन विद एक्सपर्टीज एंड स्किल्स, जो जिससे एक्सपीरियंस हो ये सब कुछ मैनेज करने का। तो आप इस फील्ड के अंदर बेसिकली ई कॉमर्स के अंदर आप एक अपना स्टोर ऑन भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास, तो आप स्किल सीख के उस बंदे को सर्विस दे सकते हैं। एक बंदा या एक स्टूडेंट या एक वो बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या उसको शॉपिफाई स्टोर ओन करना चाहिए या शॉपिफाई स्टोर को मैनेज करने की सर्विसेज देनी चाहिए? मैं तो रिकमेंड करूँगा सर्विसेज। अगर आप एग्जाम्पल से देते हो कि अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ मेजॉरिटी होती हैं, लेट्स से हाउसवाइफ नहीं भी हैं आप घर में, आप या इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप सर्विसेज में आए, बिकॉज सर्विसेज लेस रिस्की है, इन्वेस्टमेंट के विदाउट भी आपको काम मिल जाता है, बस एक चीज़ चाहिए आपको स्किल। और लॉस के तो चांसेस ही नहीं, सर्विसेज में तो लॉस किया, आपने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया, हाँ टाइम इन्वेस्ट किया है स्किल सीखने के लिए। पाकिस्तानियों के पास टाइम बहुत है, बहुत वेले हैं, इंतहा के वेले हैं, तो उनको तो कोई लॉस नहीं, लेकिन वो कहेंगे ना कि हमने उतने देर टिकटॉक देख लेते। एक शॉपिफाई स्टोर को मैनेज करने का करने वाला बंदा वो कितना अर्न कर सकता है पर मंथ? शॉपिफाई स्टोर को मैनेज करने के लिए मैं इस तरह एस्टिमेट है कि यू नीड एटलीस्ट 1 आवर अ डे टू मैनेज 1 स्टोर। ओके, ठीक है। अब लेकिन वो बंदा ना उसके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि एक घंटा अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ये मैं आपको बिगनर लेवल बता रहा हूँ। अच्छा, बिगनर आई कैन मैनेज इन 15 मिनट्स। मुझे तो इवन के अभी हम जब बाहर बैठे हुए थे ऑफिस के अंदर, मैंने उस टाइम मैंने 15 मिनट्स के अंदर मैंने 300 मैनेज कर लिए थे। आई जस्ट एनालाइज द कैंपेन, दैट्स इट। हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि आई हैव अ मोबाइल, इंटरनेट है, मैंने एनालाइज करनी थी कंपेयर, आई नो द SOPs, बट आप वो है ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मुझे 5 मिनट्स लगे। अच्छा, आपको मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। ओके, और वो एक नहीं लग सकता, और वो एक स्टोर से आपकी जो मैनेज कर रहे हैं उससे तकरीबन एक बिगनर लेवल के बंदे को कितनी अर्निंग रिसीव हो सकती है पर मंथ के हिसाब से? बिल्कुल बेसिक लेवल पे की बात करें और पाकिस्तानी क्लाइंट है, 30-40,000 ईजिली आप अर्न कर सकते हैं फ्रॉम 1 क्लाइंट। अच्छा, और आप जिनके 8 क्लाइंट्स अगर 8 घंटे ही वर्किंग आवर्स करें और मल्टीप्लाई करें, 2.5-3 लाख बनते हैं। ये बिगिनर लेवल है, तो इसका मतलब है हमें भी जॉब ख़त्म करनी चाहिए सबको, और आपसे जो है ना वो कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, अब ये मैं हर किसी को कहता हूँ, याद रखिएगा, अगर मैं कर रहा हूँ या आप कर रही हैं, इट डजन मीन कि हर कोई कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ है रिस्क, वो जिसका लिखा है वो मिलना है, आपका सर्विस से लिखा है ना मिलना है, नहीं लिखा नहीं मिला। ऑब्वियसली बात है, ये ऐसी फील्ड नहीं जिसमें 100% इज अ सक्सेस रेट। हाँ, क्योंकि मैंने भी, सॉरी टू कट यू, लेकिन मैंने भी जितने लोगों को देखा है ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि यार हमने शॉपिफाई का बिजनेस किया है, हमें क्लाइंट ही नहीं मिला। अब बात यह है कि या वो स्किल्स का कोई इशू है, या उन्होंने क्लाइंट को सही तरह अपनी सर्विसेज पिच नहीं की, या फिर ये हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से उस तरफ उनका रिस्क नहीं लिखा हुआ था। रिस्क है वो एक गलत चीज़, अगर उसे साइड पे रख दें उस चीज़ को, 90% कम्युनिकेशन है, वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, अनफॉर्चुनेटली। यूनिवर्सिटीज नहीं सिखाती, कॉलेजेस नहीं सिखाते, स्कूल में नहीं सिखाया जाता हाउ टू कम्युनिकेट। किसी भी बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको इस तरह बताऊँगा एग्जाम्पल के, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है,
गलती से किसी एक बंदे का मैसेज आ गया। हाँ, हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, मैं पाकिस्तानी ने, मैं एशिया पूरी की बात करता हूँ, अगर पूरे एशिया रीजन की बात करूँ, हम हर चीज़ मान लेते हैं, हम डेस्परेट हो जाते हैं उसके साथ। आई हैव नोटिस्ड रियली। ठीक है, लोग, हम लोग क्या करते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं कि आपने कहा, वो कहेगा सोशल मीडिया मैनेज करना, कर लूँगा, मार्केटिंग कर लूँगा, स्टोर डिजाइनिंग कर लूँगा, डर के मारे के क्लाइंट भाग ना जाए। एग्जैक्टली। ठीक है, अब होता क्या है, वो समझ जाता है कि ये डेस्परेट है। अगर जा देखिएगा क्लाइंट को पता लग गया कि यू आर डेस्परेट, फिर दो सिनेरियोज हैं, या तो आपको कच्चा खा जाएगा, ठीक है, वो ना दिन का आपको, आपका वो जो है ना, वो पर्सनल स्पेस जो होती है, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, या तो उसे समझ आ जाएगी कि ही इज़ जस्ट डेस्परेट, उसे कुछ पता नहीं है, वो भाग जाएगा। और हमें ये भी नहीं पता कि हाउ टू यूटिलाइज सोशल मीडिया टू गेट क्लाइंट्स। हम लोग जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा लैग करते हैं, हमें सोशल मीडिया डांस वीडियोज़ के लिए तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, लेकिन क्लाइंट्स लेने के लिए हमें सोशल मीडिया का समझ ही नहीं है कि हम कैसे यूज़ करें। अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, आपके पास इतने क्लाइंट्स आएंगे, आप खुद कहेंगे बस अब मेरी बस है। तो इसका राज क्या है कि अगर आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर, आप अगर चाहते हैं कि मैं वीडियोस शेयर करके क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करूं, तो वो कैसे पॉसिबल है? आप मेरी सर्विस क्यों लेंगे मार्केटिंग की? क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है। नहीं, आप मेरी क्यों लेंगे? वाई मी? क्योंकि आप मुझे बताएंगे ना डिटेल्स कि मैंने ये कुछ किया हुआ है उसके बाद। हाँ, अब होता ये है, हम लोग अपनी बात करते हैं, अगर आप मुस्लिम, एक आपको पता है जॉब रिक्रूटमेंट के लिए लिंक्डइन है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने मिलियन डॉलर्स की सेल्स कर ली, ये देखते हैं। हम अपनी बात करते हैं, हम ये नहीं बात करते कि कस्टमर के पेन पॉइंट्स के हैं। Exactly. आपको मैं तभी अच्छा लगूंगा जब मैं आपकी पेन पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। मैं कहूंगा एग्जाम्पल, पाकिस्तान में डिलीवरीज के बहुत इश्यूज हैं, ठीक है, आप डिलीवरी के ऊपर बात करें कि आप ई कॉमर्स, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज मैंने इसलिए क्यों बनाई है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेजर इशूज इन पाकिस्तान, डिलीवरी इशूज। मैंने उस पर वीडियोस बनाई, उससे मुझे क्लाइंट्स मिले, बिकॉज मैंने उनके पेन पॉइंट्स को डिस्कस किया और मैंने उन्हें उनका सलूशन भी बताया। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ भी गलती करते हैं, हम कहते हैं कि हमने सलूशन बता दिया ना, क्लाइंट हमसे क्यों काम करवाएगा, वो तो खुद कर लेगा काम, उसे तो सलूशन मिल जाएगा। लेकिन नहीं, जो पेन पॉइंट को डिस्कस करना, उसके सलूशंस बताना ना, ये होता है ट्रस्ट गेन करना। इससे अगले को क्या पता लगेगा, इसे काम आता है, बेशक मेरे पास क्लाइंट नहीं है। ऑब्वियसली जब आप सोल्यूशन देंगे तो वो समझ जाएगा कि इसको काम आता है। मैंने तो पाकिस्तान के अंदर जो पहला 10 क्लाइंट पकड़े हैं ना, विदाउट अपलोडिंग अ सिंगल पोर्टफोलियो पकड़े हैं। आप पेड कोर्सेज भी करवाते हैं बच्चों? मेरा पेड था पहले, अब मैंने उसे 3-4 महीने पहले फ्री कर दिया और अलहमदुल्ला मोर देन 2,50,000 लोग अभी ले चुके हैं पूरी दुनिया से कोर्स। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, पेड मेंटरशिप है, कोर्सेज फ्री है, बिकॉज कोर्सेज इज अ टैबू इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर आजकल जो मसाइल चल रहे हैं इंटरनेट के, उसकी वजह से आपका बिजनेस भी डिस्टर्ब हुआ? क्योंकि मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि आजकल काफ़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं इस चीज़ से, तो क्या आपको भी लॉस हुआ है? ऑब्वियसली, अगर कोई कहेगा कि नहीं हुआ, तो वो या तो खुद से झूठ बोल रहे हैं या आपसे बोल रहे हैं। जो भी बंदा इस टाइम इंटरनेट से रिलेट कर रहा है काम उसका, किसी भी तरीके से, नो, वो हर बंदा इम्पैक्ट हुआ है। इवन के लास्ट जो मेरा वीक गुजरा है, मेरा पूरा ऑफिस बंद रहा था, हम एक दिन के लिए हमने ऑफिस ही नहीं ओपन किया अपना, बिकॉज नेट ही नहीं है, जो है सर्विसेज हम कैसे दें। अब मेरे लोकल तो जस्ट 20% क्लाइंट्स हैं, 80% क्लाइंट मेरा इंटरनेशनल है। अब ये उसे एक आइडिया लगाएं कि हाउ मच इम्पैक्ट, मुझे कितना इम्पैक्ट पड़ा है। और मेरी तरह इस टाइम हज़ारों लाखों लोग हैं पाकिस्तान में, एक एस्टिमेट है कि बिलियंस रुपीज़ की पाकिस्तानी इकॉनमी को लॉस हुए, और हज़ारों लोग जो स्पेशली फ्रीलांसर, तो सर वो इससे उन्हें उनकी जॉब ही चली गई, बिकॉज उनका सोर्स ऑफ इनकम ही यही था। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, और अल्लाह करे कि कम हो जाए, लेकिन उम्मीद तो नहीं लग रही। और ये क्या कंफर्म होता है कि ये चीज़ कब तक प्रोलॉन्ग करेगी? अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज तो ये था कि संडे तक हो जाएगा। आई अपलोडेड अ वीडियो के फाइनली एक हो जाएगी, बट नहीं हुआ। आज भी इवन के व्हाट्सएप मैसेज में मसला आ रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आप कह रहे हैं कि 30 अगस्त है, मतलब वी डोंट नो कि ये मसला कब तक चलेगा। अनफॉर्चुनेटली, वेरी सैड, बट इट्स अ रियलिटी। पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदा भाग। मैं हर किसी को कहता हूँ पाकिस्तान से जिंदा भाग।
सुहेब, हमें काफ़ी आजकल चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं कि जो हमारे घर की खवातीन हैं वो काम करना चाहती हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, जो फैमिली इश्यूज हैं कि उन्होंने घर पे रहना है, बच्चे संभालने हैं, उनके साथ साथ भी वो काम करना चाहती हैं लेकिन वो नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे ज़्यादातर आजकल काम जो हैं वो ऑन साइट होते हैं, तो रिमोटली जॉब्स भी हैं लेकिन खवातीन नहीं कर पा रही, क्योंकि उसमें कोई ना कोई स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि बहुत टेक्निकल होते हैं और वो बंदा एक साल दो साल लग जाता है उसको सीखते हुए। तो इस शॉपिफाई को मैनेज करना, ये कोर्स कितनी जल्दी एक ख़वातीन स्पेशली के वो कितनी जल्दी इसको सीख सकती हैं और कितना जल्दी उससे कमाना शुरू कर सकती हैं? ये है कि नॉर्मली अगर सीखा जाए ना, ये वन मंथ इज इनफ जस्ट टू गेट द नॉलेज। देखिए दो चीज़ें हैं, नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज तो आ जाता है आपके पास, पता लगता है कैसी चीज़ है, स्किल एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। तो अगर आप सबसे एंड पे भी ले जाएं तो 2 मंथ के अंदर आपको नॉलेज मिल जाएगा सारा, कि काम कैसे करना है, स्टोर कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है। और क्लाइंट्स की बात करें, अब वही बात यहाँ पे आ जाएगी, कम्युनिकेशन, हाउ गुड यू आर इन कम्युनिकेशन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो कॉल्स पे आएँ, क्योंकि क्लाइंट्स आपको पता है वीडियो कॉल पे मांगते हैं कि आप आएँ फिर आप काम, ऐसा नहीं है, लोग आपके पास स्किल है तो लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक रफ एस्टिमेट मुझसे मांगें तो, और रियलिस्टिक मांगें, तो विद इन 6 मंथ आपको क्लाइंट मिल जाता है। इस तरह है कि आप अगर कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिनके पास कम्युनिकेशन है, जस्ट फीमेल नहीं मैं ओवरऑल भी बात करें, कुछ क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग बहुत कम लोगों की है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है लेकिन वो दूसरी स्किल तो सीख सकते हैं, टेक्निकल स्किल। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि एक बंदा जिनके पास कम्युनिकेशन है, आप उससे बोलें कि मुझे क्लाइंट्स ला के, यू कैन, आप कमीशन बेस पे काम कर लें, आप कोई परसेंटेज बेस पे काम कर लें, फिक्स सैलरी बेस पे काम कर लें, और आप काम कर सकती हैं। नॉट ओनली दिस, पाकिस्तान के इसमें बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग एजेंसीज हैं जो रिमोट जॉब ऑफर करती हैं। अगर आपके पास स्किल है, आप रिमोटली काम कर सकती हैं किसी भी मार्केटिंग एजेंसी के साथ, आप उसे आराम से 30,000, 40,000, 50,000 इंटर्नशिप भी अपना पे ले सकती हैं। आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ ना काम करें, आप मार्केटिंग एजेंसी से काम कर सकती हैं। अच्छा, और इसी को साथ लिंक करते हुए, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि मोस्टली पढ़ाई पे भी तवज्जो नहीं दे रहे और वो चाहते हैं कि हम कोई बिज़नेस खड़ा कर लें, और उनके लिए क्या मैसेज है इस प्लेटफॉर्म से कि शॉपिफाई को जेन में रखते हुए अगर वो भी शॉपिफाई की सर्विसेज देना चाहते हैं? तो बेसिकली स्टूडेंट्स तो आजकल मुझे पता है कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोते हैं या उससे भी लेट, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं, तो क्या वो भी इससे इस्तफादा हासिल कर सकते हैं कि नहीं? पहली बात, पढ़ाई पे तो फोकस करें, वो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपने, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हो जाए आप। बात दूसरी बात है कि वो काम ऑब्वियसली जिस तरह वो फीमेल्स काम कर सकती हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकती हैं काम। मैंने भी स्टूडेंट के लाइफ में ही ये काम स्टार्ट किया था, मैंने मार्केटिंग सर्विसेज देना स्टार्ट की थी। ऑब्वियसली 2-3 बजे तक स्टूडेंट्स होते हैं हॉस्टल्स, मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ, मेरे जो जितने भी रूममेट्स थे, फेलोज थे, वो 2-2, 3-3 बजे तक सोते थे, मैं 2 बजे तक काम करता था, यूनिवर्सिटी से आया शाम को स्टडी की, आप 10-11 बजे बैठ जाएं, 2 बजे तक आपका 3-4 घंटे का काम आप कर लें, आपको मंथली आराम से एक हैंडसम अमाउंट आ सकती है। वो स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि यार हमें तो कोई काम ही नहीं देता या हमें कोई काम मिलता नहीं है, तो उनके ऊपर भी वही चीज़ लागू होती है कि क्लाइंट को लेना भी एक आर्ट है। एग्जैक्टली। तो अगर वो क्लाइंट खुद नहीं ले सकते तो वो किसी ऐसे बंदे को कॉन्टैक्ट करें जिसके ऊपर बहुत वर्कलोड है, उससे थोड़े पैसों में काम शुरू कर दें, बाद में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपका काम इंक्रीज़ होगा तो आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होती जाएगी। मैं जिस तरह आपको मैं शुरू में बताया था कि मैंने अपने दोस्त के साथ कंटेंट राइटिंग का काम स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली बात हर कोई बचपन से सीख के नहीं आता कम्युनिकेशन की, मेरे अंदर भी नहीं थी, बट मेरे दोस्त के पास थी, उससे काम आता था, उसने अपने क्लास फेलोज का एक नेटवर्क बनाया हुआ था, 10 बंदा स्टूडेंट्स को अपने ही क्लास फेलो के साथ जो उसने अपने जोड़ा हुआ था, इंटरनेशनल क्लाइंट से काम पकड़ता था, बाकी मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था। ऑब्वियसली बात है, उनसे वो अगर $10 चार्ज करता था, बाकियों का अगर $2-3 भी दे देता था, अपना अमाउंट भी रख लेता था, लेकिन इससे क्या था, बाकी सबका भी एक सर्कल चल रहा था। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लेट्स से कि एक बंदे के पास 50,000 रुपया, क्या वो शॉपिफाई स्टोर ओन कर सकता है, लोकल और इंटरनेशनल? इंटरनेशनल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इंटरनेशनल कम अज़ कम अगर आप बस बहुत कम भी ले जाए ना, आपको $1,000 to $1,500 चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अगर आप लोकल की बात करते हैं तो 50,000 देखें अनरियलिस्टिक है बट पॉसिबल है, बट उसके अंदर आपको स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता है कि कहाँ पे मैंने पैसा ज़ाया नहीं करना, आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं सिखाते, क्योंकि यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स के अंदर स्पेशली, क्योंकि आपने एट द एंड कस्टमर से सर्चेज कमाना है, लेकिन आपके खर्चे बहुत ज़्यादा है,
तो यूनिट इकोनॉमिक्स इफ यू आपके स्ट्रांग है, मार्केटिंग आपको पता है, और प्रोडक्ट, अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में नहीं है या है तो बहुत कम है, तो येस यू कैन स्टार्ट विद 50,000. अगर ये तीनों चीज़ों में से एक चीज़ की भी कमी है ना, तो 50,000 से आप कम अज़ कम स्टार्ट नहीं कर सकते. पाकिस्तान में जितने भी बड़े गुरुज बताते हैं कि यार वो तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो क्या ट्रेंडी प्रोडक्ट्स पे मार्केटिंग बजट कम स्पेंड होता है और बाकियों पे ज़्यादा होता है, क्या ऐसा भी कोई एल्गोरिदम है या नहीं? अच्छा देखें, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ऐसे नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो ट्रेंडिंग है, वो ट्रेंड बनाता कौन है, वही गुरुज बनाते हैं. हाँ, अगर मेरे इस टाइम 250,000 स्टूडेंट्स हैं, 250,000 स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्हें मैं आज एक प्रोडक्ट बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है, तो सब कल के दिन और नहीं तो कम से कम 5,000 लोग वो एक प्रोडक्ट बेचेंगे, प्रोडक्ट ट्रेंडिंग बन जाएगा. अब होता ये है कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स वो बेसिकली होते हैं जो ऑन द उतने मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, वो आपके कस्टमर के स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं. जब उस प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग बेचते हैं वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन होता वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है. एंड ऑब्वियसली कम बजट से अगर आपने स्टार्ट करना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ही बेचना पड़ेगा, बट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बेचना मैं रिकमेंड नहीं करता, स्पेशली इन पाकिस्तान. उसकी रीज़न ये है कि वही जैसे आपने बात की, गुरुज कहते हैं कि बहुत आसान है, हलवा यहाँ तक भी कहते हैं और आपके बहुत सारा कुछ आ जाएगा, उससे बहुत सारे जो है ना लोग ख्वाब लेके आते हैं इस फील्ड के अंदर कि मैंने बस आज मैंने बस स्टोर स्टार्ट किया है, कल मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी, तो वो वही प्रोडक्ट्स वही सारा कुछ उठा के लगाते हैं जो ऑलरेडी 10 लोग बेच रहे हैं. मैं एक तीसरा एग्जाम्पल है कि आप अपने एरिए में रह रहे, इस्लामाबाद में सेक्टर में एक रह रहे हैं, कपड़े की 20 दुकानें हैं. हाँ, क्या सेक्टर में कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. हाँ, एक दुकान है तो क्या होगा, वो ज़्यादा कमाएगा. 20 दुकानें होंगी तो जितनी भी अर्निंग है वो 20 में डिवाइड हो जाएगी, या एक का थोड़ा ज़्यादा अच्छा कपड़ा वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा कमा लेगा. तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है. मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर कम बजट है ना, तो एक तो उस प्रोडक्ट की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दूसरा वो वाला प्रोडक्ट होना चाहिए जो मार्केट में कोई बेच नहीं रहा. ओके, यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए. यूनिक होना चाहिए, ठीक है. और इस लेट से कि वो जिस बंदे ने 50,000 इन्वेस्ट कर दिए शॉपिफाई स्टोर के अंदर, तो उसके लिए लॉस के क्या चांसेस हैं? सबसे ज़्यादा उसके लिए सबसे ज़्यादा लॉस का चांस है. अच्छा, बिकॉज कम इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क बढ़ता है, बिकॉज आपको ब्लीडिंग करनी पड़ती है. आप एक पॉइंट तक ही ब्लीड कर पाएंगे, उससे ज़्यादा ब्लीड नहीं कर पाएंगे. ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ब्लीडिंग पावर ज़्यादा होती है. आप लेट से 2-3 लाख ब्लीड कर भी दिया आपने, स्टिल आपके पास लाखों रुपए पड़े होते हैं बैकएंड पे टू ग्रो. 50,000 से रिस्क ये बढ़ता है कि आपके पास ब्लीडिंग पावर कम हो जाती है, आप डर डर के काम करते हैं. एक चीज़ है जो डर फिर बढ़ा आ जाता है कि ये मैंने 500 भी लगा दिया ये आएगा नहीं, तो उस चक्कर में लोग 5,000 लगा देती है. मेरे भी सब स्टूडेंट्स हैं जिस तरह मैं अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करता हूँ, आई डू हैव फेलियर स्टोरीज एज वेल. वो 50,000 स्टार्ट किया, 30,000 स्टार्ट किया, उसे हुआ क्या? गलतियाँ, लोग डर में ज़्यादा गलती करते हैं. इतना तो गलतियों में ही गुजर जाता होगा. मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम बड़े ब्रांड लॉन्च करते हैं, हम मिलियन 2 मिलियन तो वैसे ही हमारा निकल ही जाता है, पता ही नहीं लगता हमारा निकल जाता है. क्यों? हमें पता कि बैकएंड पे हमारे पास पावर है. हमारा मिलियन 2 मिलियन उनके लिए वो 10-20,000 रुपीज़ वाला है. तो इसलिए हम लोग गलतियाँ करते हैं लेकिन सीख के करते हैं. ना बिल्कुल. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है शॉपिफाई स्टोर को सक्सेसफुल करने के लिए? हाउ यू मार्केट. आपका प्रोडक्ट मैटर नहीं करता. यू कैन सेल शिटी प्रोडक्ट्स, आपकी शिटी वेबसाइट हो सकती है, बट इफ यू हैव गुड मार्केटिंग आप सक्सेसफुल हो. और मार्केटिंग के अंदर स्पेसिफिकली क्या चीज़ करनी चाहिए? कैंपेन्स अच्छी चलानी, योर क्रिएटिव्स. ओके, देखें स्ट्रेटजीज हर किसी की काम करती है. 100 गुरुज होंगे, हर किसी की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी, 90 की काम कर जाएंगी. जो मेन चीज़ है 2024 में, जो आप जो समझ लें कि मार्केटिंग है, वो क्रिएटिव बेस की मार्केटिंग है. इफ़ यू हैव वेरी गुड क्रिएटिव, आप कुछ भी कर सकते हैं. हमें गुड क्रिएटिव का मतलब कुछ लोग ये लेते हैं कि सिनेमैटिक वीडियोस, हाई फाई वीडियो, हाई एंड जिसे हम कहते हैं ना, उसे हम कहते हैं लो फाई एंड हाई फाई कंटेंट. लोग समझते हैं कि गुड क्रिएटिव इज़ ओनली हाई फाई कंटेंट, बट बेसिकली सोशल मीडिया पे लो फाई कंटेंट ज़्यादा चलता है. एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया क्यों चलाते हैं? वाई यू कम ऑन सोशल मीडिया? टू गेट एडवर्टाइज, ऑब्वियसली नो, टू गेट इंटरटेन्ड. आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं टू गेट इंटरटेन्ड, टू कनेक्ट विद पीपल बेसिकली. सो अगर आपका कंटेंट लो फाई है, अगर आपका कंटेंट कस्टमर से कनेक्ट कर पा रहा है, फिर आपको 50,000 का 30,000 भी बजट होना, आप मिलियन रुपीज़ का स्टोर बना सकते हैं. बट क्रिएटिव बेटर अलॉन, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते. लोग समझते हैं कि बस
चाइनीज वीडियोज उठा लूँगा मैं, थोड़ी सी आगे पीछे एडिट कर लूँगा, मेरा काम हो गया। नो, ऐसा नहीं होगा। मार्केटिंग का बजट कितना सेट किया जाए कि वो इनफ होता है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए? इसका कोई फिक्स नहीं है। व्हाट आई रिकमेंड कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 30-35% बजट मार्केटिंग होना चाहिए। अच्छा, इफ़ यू हैव 1 लाख बजट 35% आपका मार्केटिंग बजट होना चाहिए, इफ़ यू हैव 1 करोड़ बजट 35 लाख आपका मार्केटिंग बजट। लेट्स से कि एक बंदे के पास 1 लाख रुपए है और उसने शॉपिफाई स्टोर बनाना है, तो उसको कितने पोर्शंस किस किस चीज़ों के लिए रखना चाहिए? उसे 35% चाहिए मार्केटिंग, ठीक है, 35% चाहिए उसे इन्वेंट्री, ठीक है, आपका 70% ये हो गया, हाँ, 10-5% मैक्सिमम 5% आई रिकमेंड कि उसे पैकेजिंग के लिए चाहिए, बिकॉज पैकेजिंग मैटर करती है। 5% ऊपर आपका पैकेजिंग नहीं होना चाहिए, और आपको 5-10% चाहिए मिसलिनियस एक्सपेंसेस के लिए, और डिलीवरी और ये वो सारी चीज़ें। वो तो आपको ऑब्वियसली बात है, वो तो आपके पार्सल से निकल आता है, वो आपको मौके पे ऑन द स्पॉट नहीं चाहिए होता। हाँ। इन्वेस्टमेंट से आपकी डिलीवरी नहीं निकलती। और बाकी आपको 20% एटलीस्ट आई रिकमेंड आपको रिजर्व में रखना चाहिए, जो सबसे बड़ी हम लोग गलती करते हैं। और वो वर्क इन प्रोसेस वाला वो होगा कि जिस तरह डिलीवरी के चार्जेस आ रहे हैं या कोई छोटे मोटे चार्जेस आ रहे हैं, तो वो ऑन स्पॉट पेमेंट करने के लिए रिजर्व में, कैश फ्लो बेसिकली जो है ना मैनेज करने के लिए। आप अगर आपकी बिजनेस का मंथली रेवेन्यू लेट से 10 लाख है, 2 लाख आपके अकाउंट में हमेशा होने चाहिए एट एनी टाइम, क्योंकि यू डोंट नो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज तक आपको कोई ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा है कि जिसका आपको प्रॉब्लम का सलूशन ना नजर आया हो? बहुत सारे, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं ना फील्ड के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो आपको नहीं समझ आती। फिर उस पर 2 रास्ते हैं, या तो छोड़ दो या फिर मेहनत कर लो। मैंने दूसरा रास्ता किया, मेहनत, मैंने रातों को जाग जा के उनके सोल्यूशन निकाल लिए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे ऐसे आते हैं इशूज़ आपको, क्योंकि वही बात है, विद टाइम ही आपने सीखना है। पाकिस्तान में पेपॉल नहीं है, तो क्या ये वाकई इशू क्रिएट करता है पेपॉल, या इसके ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं और वो अच्छे चल रहे हैं? अब यहाँ पे जैसे पेपॉल नहीं, स्ट्राइप भी है, ये 2 बेसिकली पेमेंट मेथड है, और मैं दोनों यूज़ नहीं करता, मेरे पास दोनों ही नहीं है। सो बेसिकली इट्स अ मिथ कि पाकिस्तान में पेपॉल नहीं है हमारा, वो जैसे एक आजकल बड़ी मीम भी चल रही है कि हम पेपॉल लेने चले थे, इंटरनेट ही बंद करा दिया। हाँ। तो पेपॉल का होना ना होना पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता, एज अ अगर मैं फ्रीलांसर भी हूँ, कुछ भी सर्विस दे रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज पेपॉल की एक सर्विस है, उसे कहते हैं जूम। वो आप अगला जो आपका क्लाइंट है वो पेपॉल से ही पे करेगा, बट जूम सर्विस से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, किसी भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स पैसे आ जाते हैं। और उसके अलावा मल्टीपल अल्टरनेटिव्स भी हैं। इवन के पेनीर है, उसने अपना फीचर लॉन्च कर दिया कि अगर यूएस के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है वो पेपॉल से पे करेगा, आपके पेनीर अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ऐसे, और आपने आउट ऑफ द बॉक्स देखना है ना चीज़ों को। आप इवन के पाकिस्तान की बात करें, सादा पे ने अपना ऑप्शन दे दिया है, इस तरह बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। सो इफ़ अगर आप इसलिए बैठे हुए हो कि मेरे पास स्ट्राइप नहीं है, मेरे पास पेपॉल नहीं है, तो मैं काम नहीं कर सकता, तो जो कर रहे हैं वो भी तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव से कर रहे हैं ना, तो आप भी अल्टरनेटिव यूज़ कर ले। आपको पता है पाकिस्तान में जिस चीज़ का भी ट्रेंड आता है वो ऐसे आता है सैलाब की तरह, और वो सबको बहा के ले जाता है, क्योंकि पहले अमेज़ॉन का आया, फिर उसके बाद शॉपिफाई का आया, इसमें कुछ लोग तैरना शुरू हो गए लेकिन सब मैक्सिमम डूब गए। तो शॉपिफाई से भी रिलेटेड कोई ऐसे मिथ्स हैं जो कि आप क्लियर करना चाहते हो लोगों के जहन में? बहुत सारी हैं। सबसे बड़ा, आप रातों रात मिलियनर बन जाओगे, आपके पास गाड़ियाँ होंगी, मेंशन होंगी, ये एक मिथ है। मुझे 8 साल लगे जहाँ मैं आज हूँ, ठीक है, रातों रात कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई कह रहा ना कि मैं रातों रात या विद इन कपल ऑफ मंथ्स मैं बाइक से गाड़ी पे आ गया हूँ जस्ट ई कॉमर्स करके, या तो उसका एक सॉलिड बैकग्राउंड है या तो वो झूठ बोल रहा है। और ये क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट मनी। आप एग्जैजुरेट जितना ज़्यादा करेंगे चीज़ों को, उतने ज़्यादा लोग आपसे अटेंशन लेंगे, बिकॉज भूख बहुत है पाकिस्तान में। बिल्कुल, हर बंदा कुछ ना कुछ देख रहा है कमाने के चक्कर में, और शॉर्टकट के मुझे बस जल्दी से कुछ हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है शॉप ई कॉमर्स की कि यू विल बी अ मिलियनेयर ओवरनाइट, ये ऐसा नहीं है। एंड ऑल्सो एक ये भी बड़ी मिथ है कि एनीवन कैन डू इट। ऑब्वियसली हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी होती, ठीक है। अगर मैं आज कहूँ कि भाई मुझसे कोर्स ले लो, हर बंदा सीख जाएगा? नो, हर कोई हर चीज़ के कैपेबल नहीं है, हर कोई डिफरेंट चीज़ों हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, वो उस लिहाज से ही। अब हर कोई डॉक्टर तो नहीं बन सकता ना, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से ये भी फील्ड है। एग्जैक्टली, आपकी इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस बड़ी ज़बरदस्त है, तो क्या आपको भी लोग कहते हैं कि आपके भी फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं? कहते हैं,
उसकी रीज़न ये है कि आई हैव 2 लाख प्लस फॉलोअर, व्यूज़ हैं 30-40,000 ऑन एवरेज वीडियोज़ के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि दिस इज़ B2B कंटेंट। B2B कंटेंट में कभी भी व्यूज़ नहीं आते। आप अकाउंट्स उठा के देख लें, 2-2 मिलियन भी फॉलोअर इंटरनेशनल जो हैं, 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनके व्यूज़ कितने हैं, 30-40,000। इवन के नील पटेल SEO एक है, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट SEO नेम इन द वर्ल्ड, उसके भी एवरेज वीडियो पे 30,000-40,000 व्यूज़ आते हैं, बिकॉज दिस इज़ B2B। ये मैस ऑडियंस के लिए कंटेंट है ही नहीं। मेरा कंटेंट है जस्ट फॉर वो दो जो ई कॉमर्स करना चाहते हैं, वो बहुत ही कम लोग हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब मैंने अपना कोर्स वगैरह दिया, सारा कुछ किया, तो बहुत सारे लोगों तक मेरी वीडियोज़ गई। अब कुछ मेरी वीडियो कुछ लोगों के साथ जाती हैं, कुछ किसी और के पास जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि कलेक्टिविटी, मेरे पास फॉलोअर्स तो आ जाते हैं, लेकिन वीडियोज़ पे एवरेज व्यूज 40-50,000 ही रहते हैं। देखेंगे अगर आपके कंटेंट पे 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, एक कस्टमर भी नहीं आया, क्या फ़ायदा उन व्यूज़ का? इंस्टाग्राम कोई पे कर रहा है? नो, इंस्टाग्राम आपको कोई पे नहीं कर रहा, मैं कोई ब्रांड डील्स नहीं कर रहा। हालांकि 2 लाख फॉलोअर वाले जो इन्फ्लुएंसर हैं वो लाखों रुपए कमाते हैं। तो आप PR पैकेजेस नहीं ले रहे? मैं कोई PR पैकेजेस कुछ भी नहीं कर रहा। फ्री में करते हैं या करते ही नहीं? मैं करता ही नहीं हूँ। अच्छा, बिकॉज आई हैव अ टारगेट, आई हैव अ पर्सनल ब्रांड जो मैंने मेंटेन करना है। पाकिस्तान में जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं और इसी तरह की कमेटीज़ बनी हुई हैं, तो क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी कोई ई कॉमर्स की कोई कमेटी बनी है, या कभी कोई आपका जाना हुआ है वहाँ पर, कभी किसी से कोई काम करना हो या निकलवाना हो, कभी कोई ऐसा कोई सीन हुआ है कि नहीं? देखिए, ई कॉमर्स की एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको इन चैम्बर्स वालों से आपको नहीं इंटरेक्शन पड़ती। लेकिन आप देखें ना कि जो पेमेंट मेथड्स हैं, या आपको डॉलर कन्वर्जन रेट है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पड़ता होगा। फिर आपको यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है कि आप अगर किसी ATM से पैसे निकलवाने जाएँ तो वो भी आप नहीं निकलवा सकते, अगर निकलवा रहे हैं तो उसके ऊपर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या यह लगता नहीं है कि गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और ये सर्विसेज आपके लिए थोड़ी सी बेहतर करनी चाहिए? मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, और मैं दो चीज़ें यहाँ पर चाहता हूँ। एक चीज़ तो ऑब्वियसली बात है, ई कॉमर्स बूम कर रहा है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की एवरी ईयर ट्रांजेक्शन, और हर साल काइंड ऑफ डबल ही हो रही है, पिछले साल से साल डबल हो जाएगी। हाँ। इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो आई रिकमेंड गवर्नमेंट के वो इस चीज़ के ऊपर काम करें, बिकॉज आजकल इस तरह जो है हमारी पंजाब की CM मरियम नवाज, अब वो ये क्या करें, IT को बहुत प्रमोट कर रही हैं, तो आई थिंक कि उन्हें इस चीज़ के ऊपर भी देखना चाहिए। एंड नॉट ओनली दिस, इस चीज़ के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वट आई रिकमेंड के, बिकॉज आप जिस पहले बात करते गुरुज की, थाउजेंड्स ऑफ गुरुज ऐसे हैं जो जस्ट दे आर आई एम जस्ट कैन से स्कैमर्स हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिकॉज इन पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई कह रहा है ना मैं ये कर दूंगा, ये सारा कुछ कर दूंगा, वो ऑब्वियसली बात है लाखों लोग आ जाते हैं, बट उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो लोगों को स्कैम हो रहा है उसके ऊपर भी बात होनी भी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो कर रहे हैं उन्हें, उनके ऊपर कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो उन्हें पकड़ सके। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सुहेब फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। वेलकम।